मीडिया वाला नहीं चलना कहाँ से मीडिया वाला नहीं चलना ऊपर चढ़ के दो बार ऊपर चढ़ो ना ऊपर चढ़ो ना कौन सी सर भैया खड़े हो भैया गाड़ी पे खड़े हो भैया गाड़ी पे खड़े हो जाओ वो भंसा नहीं सुन ले जिन्होंने किसने पद्मावती को पद्मावत कर दिया और कष्ट के नाम पर एक पूरे हिंदू समाज के साथ ये धोखा किया है ना, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो खून है, जो रक्त है, इसकी आवाज ठंडी नहीं हुई और ना पढ़ने जाएंगे। ये पूरा आंदोलन दादा के नेतृत्व में, माननीय सुषमा अम्बू जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में। और कोई मैं तुम्हें घर मिलना चाहता हूँ। भंसाली के डंडा कर देंगे डंडा। कोई समझौता अपने मान सम्मान से मत कर लेना, कोई भी समझौता। जेल काटनी पड़े चाहे जिंदगी जाए, कोई बात नहीं है। जितने भी युवा खड़े हैं, सबको कसम है अपने रक्त की, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते आए और हमेशा आवाज उठेगी, हमेशा। जिनको पूरे हिंदुस्तान में बैन किया जाए और हम पर सरकार, ये प्रशासन इस तरह की जाति ना करे। हमको आतंकवादी नहीं है। आगे ले लो तीन चार, मैं ये भैया थोड़ा पीछे जय महाराणा। भाई थोड़ी देर शांति रखो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुप्रीमो सुखदुसिंग दादा गोगा मेडी आणि सगळ्या टीमच्या वतीने आपण या ठिकाणी आलात आणि मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आपण सपोर्ट केला, त्याबद्दल मी प्रथमतः महाराष्ट्राच्या करनी सेनेतर्फे आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि स्वागत करतो। जय भवानी। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, या ठिकाणी मीडियाच्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो, जो पोलीस प्रशासनाने या महाराष्ट्रामध्ये मुंबई नगरीमध्ये जो आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला आणि तो तडपण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, मी या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाला सांगू इच्छितो, आम्ही आज फक्त सेन्सॉर बोर्डला रोका करत नव्हतो, तरी देखील प्रशासन को कॉपरेट करना चाहते हैं। प्रशासनाला कॉपरेट करतो आम्ही कुठल्या प्रकारचा, इतर ठिकाणी ज्या ठिकाणी दंगले होतात, ज्या ठिकाणी कार्यक्रम होतात, तसा कुठलाही कार्यक्रम आम्ही करत नव्हतो। परंतु आमच्या 400 ते 500 तरुणांना आपण अटक केली आणि म्हणून हा सगळा जनसमुदाय ठिकाणी जमा होतोय। मी या ठिकाणी आपल्याला आवाहन करतो की आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आपण तासाभराच्या आत सोडून द्यावं, अन्यथा याच्यापेक्षा मोठं उग्र आंदोलन केलं जाईल। तसेच या ठिकाणी आम्ही 5 ते 7 लोक निवेदन देण्यासाठी जाणार आहोत। आजचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण बरखास्त करणार आहोत। आपण आपली शांतता ठेवून प्रत्येकाने घरी जायचंय आणि पुढच्या कुठल्या तरी आदेशाला, दादांचा जो पुढचा आदेश असेल त्याची वाट पाहिजे आणि आपण उग्र आंदोलन करण्यासाठी तयार राहायचंय।